जय जीवतानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक नई चर्चा लेकर हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है किचन में आपकी जो आलू नाम की चीज़ होती है, आलू यानी कि पोटैटो। तो चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। अब आलू बहुत ही प्रिय आहार है इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड। माना गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय आहार होता है। यहाँ पर ऐसी मान्यता भी कई लोगों में है कि आलू खाने से मोटा होता है इंसान, चर्बी बढ़ती है, लेकिन आलू के फायदे जब आप मुझसे सुनेंगे तो ये भ्रांति आपके दिमाग से निकल जाएगी और अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो आलू खाना शुरू कर देंगे। चलिए हम थोड़े बहुत जानकारी लेते हैं कि आलू जो है इसका इतिहास क्या है। अमेरिका में पेरू में 7,000 साल पहले माना गया है, आंकड़े सही हैं या गलत बट ऐसी मान्यता है कि 7,000 साल पहले आलू को उगाया गया था। अब आलू जो है ये आपके उसी समय से चला आ रहा है, रूस और आयरलैंड तो इस पर निर्भर करता है इसकी खेती पर। और हम बात करें कि ये जो चीन और रूस के बाद हमारी भी ये मुख्य खेती है आलू की, हम तीसरे नंबर पे आते हैं हम भारत वाले जो कि आलू की उत्पत्ति करते हैं। आलू जो ज़मीन के नीचे पैदा होता है वो आलू आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आलू का नाम आते ही कई सारे खाद्य पदार्थ हमारे आँखों के सामने आ जाते हैं, जैसे वड़ा पाव, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ, समोसे और साथ साथ में फ्रेंच फ्राइज या आलू की टिक्की, या हम बात कर सकते हैं क्या कहते हैं चोखा की भी, या हम बात करते हैं चिप्स की, तो जो बाज़ार में मिलते हैं कई तरह की कचौड़ियों में भी आलू भरा जाता है। आलू की सब्ज़ी पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, मटर आलू, भिंडी आलू, गाजर आलू, शिमला मिर्ची आलू, आलू ही आलू, आलू का बड़ा ही क्या कहते हैं ऊपर सिर पर ताज है आलू के। और आलू हर जिस सब्ज़ी में डाल दो उससे फ्रेंडली हो जाता है। आलू के इतने गुण हैं कि आलू अगर से कोई सिंगल सब्जी बनाओ जैसे शिमला मिर्ची है तो उसमें अगर पनीर ना डालो और आलू ना डालो तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आलू डाल दो तो वो स्वादिष्ट हो जाती है। ऐसे कई सब्जियां हैं, पालक आलू और सोया आलू, और हम आलू के अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूँ तो कम से कम 300-400 व्यंजन तो मुझे ही याद होंगे जो आलू के हम खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कभी ये कभी वो। अभी आलू मार्केट में आपने देखा होगा छोटे साइज़ के भी मिलते हैं, बेबी आलू भी मिलते हैं, पटैटो मिलते हैं, बेबी पटैटो जिसको चाइनीज़ फूड में भी यूज़ करते हैं, और फिर थोड़े बड़े आलू मिलते हैं जो कि पुराने आलू जिसको कहा जाता है, और हम ज़्यादातर पुराने आलू ही यूज़ करते हैं। लाल आलू भी मिलते हैं जो लाल ब्राउन से आलू होते हैं, वो नई खेती के आलू होते हैं जिसको पुराना नहीं किया जाता और जिसको इमीडिएट बेचते हैं तो बहुत ज़्यादा खस्ता होते हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, वो ज़्यादा ऐसे मसल दो तो उसका बुरा हाल हो जाता है, इसलिए वो वाले आलू कम यूज़ किए जाते हैं। अब आलू की ये सारी बातें तो कई सारी गृहिणियों को पता होंगी या घर में लोगों को पता होंगी। हम बात करते हैं कि आलू में विटामिन क्या होते हैं, आलू के फ़ायदे क्या हैं। आपके लिए तो आलू नकारा है क्योंकि कई लोगों ने तो ऐसा प्रूफ कर दिया है कि आलू से वज़न बढ़ता है और आलू नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आलू एक बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही फायदेमंद सब्जी है जिसमें विटामिन सी बहुत होता है, पोटेशियम और सोडियम की मात्रा बहुत होती है। आपने देखा होगा कि हमने अगर आलू को काट के रख दिया और उसको पानी में नहीं भिगोया तो वो आलू जो है वो काला हो जाता है, तो इसमें पोटेशियम, सोडियम और आयरन की मात्रा भरपूर होती है, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, मैंगनीज और फॉस्फोरस की भी मात्रा बहुत होती है। अब जब इतने विटामिन्स की हम बात करते हैं तो इन विटामिन से जुड़ी हुई बीमारियां या उससे होने वाले फायदे ये सब भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो चलिए हम आलू के और फायदे जानते हैं। जल जाते हैं ना कई लोग, जैसे अगर जल जाने पर आपको निशान हटाने हो तो आलू को घिस लीजिए
और आलू की जो पेस्ट बना के उसको उस निशान पे, जब ठीक हो जाए आपका जख्म उसके बाद, पहले नहीं उसके बाद लगाइए, तो वो निशान जो है जाता रहता है। एक बात आपने लोगों से सौंदर्य के तहत भी सुनी होगी कि आंखों के नीचे जो काले गड्ढे हो जाते हैं उसमें अगर आलू की पेस्ट या आलू की पेस्ट का पानी लगाओ रोज, तो वो आंखों के नीचे के काले गड्ढे चले जाते हैं। यही आलू आप अपने पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक भेद है, भेद ये है कि इसमें आयरन बहुत है, पोटेशियम और सोडियम बहुत है। तो पहले ट्राई करके देखिए कहीं कान के पीछे या हाथ के ऊपर कि आपको सूट करता है, जब सूट करता है तब आप अपने चेहरे पर लगाएं। अब ये आलू कहा जाता है कि हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जब इतने विटामिन हो गए, विटामिन सी और आयरन और कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स, तो ऑटोमेटिकली ये हार्ट के लिए अच्छा हुआ। ये आपकी नींद को भी बढ़ावा देता है, मतलब आलू खा के रात को सो तो नींद अच्छी आती है। ट्राई करके देखने में क्या बुराई है, क्योंकि कई सारे लोगों की नींदें उड़ी रहती है, उनके लिए चावल और आलू खाने से नींद आती है, ऐसा मैंने भी सुना है। फिर आप आलू को किसी तरीके से पकाइए जैसा आप चाहते हैं, मिर्च कम कीजिए, नहीं तो अगर एसिडिटी बढ़ गई तो रात को नींद उड़ जाएगी। तो उसको सिंपल बनाइए आलू को, और मैश पटेटो की तरह, और उसको चावल के साथ खाइए, तो थोड़ा सा घी डाल के गाय का खाइए, तो आपको नींद अच्छी आएगी रात को। अब ब्लड प्रेशर में ये आलू हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर ऐसा कई लोगों की मान्यताएं हैं, जो कि मैंने इसको अनुभव नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है हड्डियों के लिए अच्छा है, क्योंकि कैल्शियम बहुत है इसमें, तो ये नेचुरली हड्डियों के लिए अच्छा है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो उनको आलू बहुत अच्छा लगता है, तो आपको उनको आलू कैसे खिलाना चाहिए, देखिए छोटे बच्चों को थोड़े फैट्स भी खिलाए जाते हैं, बड़ों को नहीं, क्योंकि बड़ों को हृदय संबंधित प्रॉब्लम्स होती है। छोटे बच्चों को थोड़ा आलू मैश करके, बॉइल्ड आलू मैश करके, उसमें आप 1 चम्मच मक्खन डाल सकते हैं, और मक्खन डाल के नमक डाल के थोड़ा सा वो आलू छोटे बच्चे को खिला सकते हैं, और कोई मसाला मत डालिएगा। छोटे बच्चे बड़ी चाव से चट चट करके वो आलू खा जाते हैं। अब वजन बढ़ाने के लिए, ये नेचुरली वजन बढ़ाने के लिए तो बदनाम हुआ है आलू, तो जिनका वजन कम है उनको तो वजन बढ़ाना है, तो आप आलू को किसी भी फॉर्म में ज्यादा खाएंगे, अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा, तो आपका वजन बढ़ेगा। नॉर्मली खाएंगे तो आपका कोई वजन नहीं बढ़ेगा। एक व्यक्ति तो आपके सामने ही बैठा है, मैं आलू खाती हूँ और मेरा वजन नियंत्रित है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे, आपने देखा होगा कई बार डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, ऐसे में डॉक्टर कहते हैं पतली खिचड़ी खाओ। कभी ट्राई करके देखिए आप, मैंने ट्राई किया है कि अगर पेट खराब हो गया है और पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा आलू मैश करके, बॉईल आलू, नमक डाल के आप हल्का सा खा सकते हैं, आप उसको किसी फॉर्म में बना के, जिससे आपको वो पेट में तकलीफ नहीं देगा, उल्टे डायरिया में वो मदद करता है ऐसा कहा जाता है, बट आप ट्राई करके देखिए, मैंने देखा है वो वाकई में फायदा देता है। अब आलू की जो छिलके होते हैं ना आलू के, वो कहा जाता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं पर एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसलिए त्वचा का रंग साफ करता है, और इसीलिए ये आलू के छिलकों के साथ भी कई लोग भाजी बनाते हैं। आपने देखा होगा छिलकों के साथ काट के भाजी बना, लेकिन मैं यहाँ पर हिदायत दूंगी आपको कि आलू के छिलकों के साथ पहले धो उसको 25 बार, उसका मट्टी निकालो अच्छे से, बॉईल करने से भी पहले उसको मट्टी निकालो। कुछ लोग क्या करते हैं, आलू को बॉईल करने डाल देते हैं बिना अच्छे धोए हुए, तो उसके अंदर की जो मिट्टी जो ऊपर लगी होती है, क्योंकि जमीन के नीचे पैदा होते हैं, वो उसके अंदर चली जाती है, तो ऐसे किडनी स्टोन बढ़ सकते हैं। आलू किडनी को हेल्प करता है, बट आप कहेंगे कि आपने गलत तरीके से यूज किया तो आपकी किडनी को नुकसान हो सकता है आलू से, तो आप आलू को अच्छे से धोएं। कोई भी सब्जी को बहुत ज्यादा पानी के नीचे धोना चाहिए, खासकर जो जमीन के नीचे उगती है, मूली है, गाजर है, या जो भी सब्जियां हैं जमीन के नीचे, शकरकंदी वगैरह, अच्छे से धो के फिर उसको यूज करना चाहिए। अब ये एक बहुत ही अच्छी बात किसी से सुनी है मैंने कि याददाश्त को तेज करता है आलू, तो वाई नॉट, खा के देखेंगे ना आलू कि याददाश्त को तेज करता है क्या। तो जब हम आलू खाते हैं हमें लगता है हमने क्या सब्जी खाई, क्या फालतू की सब्जी है ये, इससे क्या फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप बाहर के देशों में जाएंगे तो आपको जैक पटाटो, फ्रेंच फ्राइज, टिक्कियाँ, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आलू का,
पदार्थ तो बड़े शौक से खाया जाता है आलू। अब झुर्रियों के लिए आलू बहुत अच्छा होता है, ये मैंने आपसे कहा कि आप अपने चेहरे पे लगा के देखिए, खासकर यहाँ पर झुर्रियाँ आती हैं, आपको आपके यहाँ पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, माथे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो पहले अपने हाथ पर अप्लाई करके देखिए कि आलू आपको नुकसान तो नहीं दे रहा, तो फिर वो झुर्रियों के लिए आप उसको लगा कर देख सकते हैं, देख सकते हैं कि आलू कितना सूट करता है। अगर आपको सूट कर गया और 4-5 दिन लगाने के बाद चेहरा चमकने लगा, फोटो लेके रखिएगा, तो फिर आप आलू को, आलू के पानी को या आलू को घिस के ज़रूर लगाइएगा। अब ये कहानी आलू की बड़ी ही रोचक थी, मुझे भी बड़ा मज़ा आया आलू की बात करके, क्योंकि आलू के ऊपर कई सारे गाने भी बने हैं, छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, आलू कचालू तुम कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, तो हर एक की टोकरी में सो गया आलू साथ में, जैसे आलू बैंगन के साथ, आलू गाजर के साथ, आलू मटर, आलू क्या कहते हैं, आलू पालक, आलू मेथी। महिमा बड़ी अपार है आलू की। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा मुझे, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा मुझे। कमाना खाना में मुझे इंतज़ार रहता है। अभी तक मेरा चैनल बेबी चैनल है, आप लोग प्लीज़ सहयोग कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।